पंचकुला में विकास कार्य को गति देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी बीच हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला में विकास को और गति देते हुए एमडीसी सेक्टर 5 से 1.15 करोड़ से अधिक राशि की 5 विकास परियोजनाओं के कार्य को शुभारंभ किया। बता दें कि ज्ञानचंद गुप्ता ने जिन विकास परियोजनाओं के कार्यों का शुभारंभ किया उनमें ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी एमडीसी सेक्टर 5 में लगभग 25.92 लाख रुपए की लागत से बरसाती पानी के ड्रेनेज का प्रावधान सहित अनेक विकास कार्य शामिल है। इस अवसर पर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी एमडीसी सेक्टर 5 पंचकुला के लोगों की बरसाती पानी की निकासी को लेकर लंबे समय से मांग चली आ रही थी और बरसात के दिनों में पानी इकट्ठा होने के कारण पानी घरों में चला जाता था जिससे लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए यहाँ बरसाती पानी की निकासी का प्रावधान किया जा रहा है और इस कार्य की शुरुआत आज कर दी गई है। 1.25 करोड़ रुपए के जो जनहित के कार्य हैं, जिनमें सबसे बड़ा कार्य जो हमारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है एमडीसी 5 की, उसमें स्टॉर्म वाटर की ड्रेनेज को लेकर के बहुत दिनों से वहां उनकी मांग थी कि बरसात के दिनों में पानी इकट्ठा होकर के वहां घरों के अंदर जाता है, तो उसके लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का जो प्रोविजन है वो किया गया और उसका कार्य आज हमने शुरू किया है। दूसरा जो मार्केट है, मार्केटों के अंदर टॉयलेट्स की बहुत पुरानी मांग थी, वो टॉयलेट्स जो हैं आज 2 टॉयलेट्स हैं वो बनने जा रहे हैं। इसके अलावा रोड है, सड़क है, उसकी स्ट्रेंथनिंग का काम भी जो है लगभग 43 लाख रुपए से वो कार्य आज शुरू की है। विकास की दृष्टि से पंचकुला जो है वो कहीं भी किसी कीमत पर पीछे ना रहे और जो जनता की समस्याएं हैं उनका समाधान करने का जो बीड़ा हमने उठाया उसी दृष्टि से ये आज उद्घाटन के कार्यक्रम किए गए हैं। मैं आदरणीय श्री कुलभूषण गोयल जी जो महापौर हैं, यहाँ के पार्षद सुरेश वर्मा जी हैं और अन्य सभी पार्षदों को बधाई देता हूं। बता दें कि जहां इन परियोजनाओं के शुभारंभ से पंचकुला में विकास को और गति मिलेगी तो वहीं लोगों को पानी की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। अब देखना ये होगा कि कब तक इन विकास कार्यों को पूरा किया जाता है। पंजाब के सिटी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट।